अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जल्दी से करते हैं जी शुरू। जैसा कि सऊदी अरब में बहुत दिन से ये अफवाह फैली हुई थी कि जी अभी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन छुट्टियाँ हो गई, 4 दिन काम करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी एक बड़ी न्यूज़ आ गई है रात की, और अल अरबिया न्यूज़ पे उन्होंने यानी कि अपने न्यूज़ में शाया किया है कि जी अभी वर्कर जो है ना 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन छुट्टी करेंगे, 1 वीक में यानी कि 3 दिन छुट्टी हुआ करेगी। और ये जो छुट्टी जो है वो किन किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो ये छुट्टी छुट्टी हो शुरू होने जा रही है, ये सिर्फ सऊदी अरब वाले लोगों के लिए है, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और यानी कि एनीथिंग बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, कोई भी ऐसा काम है ना जिधर यानी कि सरकारी है, उधर छुट्टी होगी। सिर्फ सरकारी कामों में छुट्टी नहीं होगी तो दीफा मदनी वालों को नहीं होगी, और एक जो हॉस्पिटल एमरजेंसी वाले होते हैं उनको छुट्टी नहीं होगी, बाकी सबको 3 दिन की छुट्टी है। क्योंकि ये पहले इस पर काफ़ी बहस चली थी कि कुछ लोग कहते थे होनी चाहिए 3 छुट्टियाँ, कुछ कहते थे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जो ज़्यादातर पार्टीज हैं ना वो कह रही हैं कि नहीं जी 3 छुट्टियाँ होनी चाहिए। तो अभी कब बात कर लेते हैं हारजी लोगों की, यानी कि अब जैसे कि मैं इधर काम करता हूँ, हफ्ते में 12 घंटे ड्यूटी होती है मेरी, यानी कि सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे तक, ठीक है। तो हारजियों के लिए आप सोच रहे होंगे हारजियों के लिए छुट्टियां हैं कि नहीं, तो हारजियों के लिए उन्होंने अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई 8 घंटे काम करता है ना डेली का, तो उसको फिर वो करेंगे बोलेंगे 10 घंटे काम कर लो डेली के, ठीक है। यानी कि डेली के 10 घंटे काम करवा के वो जो 2 दिन की छुट्टियों का टाइम होगा ना वो उसी के अंदर में कवर कर लेंगे, यानी कि 10 घंटे में करके। लेकिन हम लोगों की तो 12 घंटे ड्यूटी है, तो अभी हमें अपना नहीं मालूम फ़िलहाल, क्योंकि 12 घंटे वालों को पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन अभी ये रूल जो है ना होने शुरू होने जा रहा है, क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट हो रही है, इसलिए जी ये दूसरी कंट्रीज़ की तरह यानी कि अभी ये भी हॉलीडेज़ ज़्यादा कर रहे हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनके इनके माइंड में ये है कि आदमी लोग तबाह ज़्यादा होते हैं, यानी उनकी थकावट हो जाती है, यानी कि पूरे 7 दिन की जो है ना 4 दिन के अंदर कसरत निकाल देंगे, वाट लगा देंगे यानी कि आदमी की, इसलिए 3 छुट्टियाँ देंगे। तो यूरोप में तो आपको मालूम है वैसे भी 6 घंटे ड्यूटी होती है, यूरोप में कहीं पे भी कहीं भी कंट्री हो ना यूरोप साइड पे उधर 6 घंटे ही काम होता है। ये भी इसको सेम सेम अभी यूरोप करने के चक्कर में कि इधर भी जी 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन छुट्टी करेंगे, लेकिन ये अभी प्लान हमारे लिए नहीं है, यह पर हमारे लिए नहीं है। तो वैसे ये सऊदी अरब वालों के लिए आ गया, इशू हो गया कि 3 दिन छुट्टी है। तो फिलहाल अभी ये मालूम नहीं कब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले जुम्मे की छुट्टी तो थी, फिर हफ्ते की ऐड कर दी उन्होंने, तो अभी मुमकिन है हफ्ता इतवार की भी हो जाएगी, जुम्मा हफ्ता और इतवार 3 दिन की छुट्टी हो जाए करेगी इधर मुमकिन, तो आगे का मालूम नहीं है सही, क्योंकि जुम्मे की तो एक अपनी होती है ना, तो 2 और ऐड कर देंगे। तो यही बात थी, तो यही मैंने सोचा आपसे शेयर करते हैं जल्दी जल्दी ये वाली वीडियो। तो मुझे सही वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं काम पर घूमता फिरता, वीडियो बना लेता हूँ, व्लॉग बना लेता हूँ, तो बस यही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। हाँ।